सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। बड़ी खबर मिल रही है बरेली से, छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि पढ़ाई करने अपने दोस्त के पास उसके घर गया था ये छात्र। 24 घंटे के अंदर हत्या की दूसरी वारदात है। देवरनिया थाना क्षेत्र के रीछा इलाके की ये वारदात है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे के भीतर दूसरी ये वारदात, जहां पढ़ाई करने अपने दोस्त के घर एक छात्र गया था और वहीं पर उसे गोली लगने की खबर मिल रही है। बरेली से ये खबर है, जहां गोली मारकर हत्या कर दी गई है छात्र की, जो अपने दोस्त के घर गया हुआ था। बताया ये जा रहा है कि पढ़ाई के लिए वो अपने दोस्त के यहाँ गया था, लेकिन गोली मारकर हत्या कर दी गई छात्र की। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बरेली से 24 घंटे के भीतर हत्या की ये दूसरी वारदात है। इस वारदात की बात करें जहां छात्र की गोली मारकर हत्या की गई, तो ये देवरानिया थाना क्षेत्र के रिछा इलाके का मामला है। तो बरेली में कानून व्यवस्था हाशिए पर, जहां पर 24 घंटे के भीतर ही दूसरी हत्या से सवालों के घेरे में है कि किस तरह से अराजक तत्वों के भीतर से डर समाप्त है। छात्र की हत्या कर दी गई गोली मारकर, पढ़ाई के लिए अपने दोस्त के घर गया हुआ था, लेकिन वापस लौटी लाश। देवरनिया थाना क्षेत्र के रिछा का मामला बताया जा रहा है। तो बरेली में 24 घंटे के भीतर दूसरी हत्या है ये। तो इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि ये छात्र पढ़ाई करने के लिए अपने ही दोस्त के घर गया था, लेकिन किसी ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और बरेली की बात कर लें तो 24 घंटे के भीतर दूसरी हत्या के इस खबर के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों के भीतर से कितना खौफ खत्म हो गया। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी अनूप इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप, 24 घंटे के भीतर दूसरी हत्या का ये मामला, इस मामले में क्या जानकारी मिल रही है? आपको बता दूं, ये जो छात्र है ये 15 साल का छात्र है, 9वीं क्लास में पढ़ता है। ये अपने दोस्त के घर अपने घर वालों से कह के गया था कि मैं पढ़ने को जा रहा हूँ, और जिसके बाद ये घर वापस नहीं लौटा। तो रात भर घर वाले तलाश करते रहे, और आज उसका जो शव है वो खेत में पड़ा मिला है। गोली मारकर इसकी हत्या की गई है, जिसके बाद घर वालों को जब पता चला तो घर में कोहराम मच गया है। मौके पे क्राइम ब्रांच, फील्ड यूनिट की टीम, थाना प्रभारी, इसके अलावा SPRA और SSP मौके पे पहुंचे हुए हैं, और उनका कहना है कि शिनाख्त की जा रही है, आखिर कौन लोग है उनकी पहचान की जा रही है जिन्होंने इसकी हत्या की है। फिलहाल जिस दोस्त के घर गया था वहां पर भी पता किया जा रहा है कि आखिर किस दोस्त के आ गया था, उससे भी बात हुई है। तो उसका कहना है कि रात में हमारे यहाँ आया था, उसके बाद ही अपने घर वापस चला गया था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। तो फिलहाल पुलिस की टीमें तलाश करने में लगी हुई है, लेकिन ये बड़ी बात है कि 24 घंटे के अंदर ये दूसरा मामला है कि जब एक 13 साल के छात्र की हत्या हुई थी फरीदपुर में, और आज बहेड़ी में एक छात्र की दौरनिया में हत्या कर दी गई। बिल्कुल अनूप, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो छात्र जो 13 साल के हों या 15 साल के, इनसे किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर इनकी जिंदगी क्यों छीनी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।